पूरी दुनिया जानती है कि इसराइल एक जालिम और नाजायज़ रियासत है जो निहत्ते फलस्तीनियों पर जुल्म और बर्बरियत के पहाड़ तोड़ रही है। इसराइल के मजालिम को देखते हुए दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में इसराइल के खिलाफ आवाजें उठना शुरू हो गई हैं। दुनिया भर में मौजूद इंसानियत के दोस्त इसराइल को न सिर्फ एक जालिम बल्कि पूरी इंसानियत के लिए खतरा समझते हैं। इटली में एक ऐसा ही वाकया पेश आया है जिसको जानने के बाद आप ये मानने पर मजबूर हो जाएंगे कि अब दुनिया इसराइल से नफरत करना शुरू हो गई है। इसराइल और उसके हामियों मतलब हिंदुओं के लिए एक बहुत बुरी खबर सामने आई है। इटली में इसराइल को असला भेजने वाले समंदरी जहाजों में वहाँ के लोगों ने उन्हें लोड करने से ये कहकर इनकार कर दिया है कि हम इस असले को इसराइल के लिए लोड नहीं करेंगे क्योंकि इसराइल इस असले का इस्तेमाल करके बेगुनाह और निहत्ते मजलूम फलस्तीनियों को मारेगा। आप इस खबर को हमारी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। इस खबर के मुताबिक इटली में मौजूद डॉक वर्कर्स यूनियन ने इसराइली शिप में असला लोड करने से इनकार कर दिया है। आपको बता दें कि इन बहरी जहाजों में इसराइल के लिए दर्जनों के हिसाब से आर्मर्ड मिलिट्री गाड़ियां मौजूद हैं और सैकड़ों की तादाद में दूसरे हथियार मौजूद हैं। डॉक वर्कर्स का कहना है कि हम आज से इसराइल जाने वाले हर शिप को लोड करने से इनकार करते हैं। हम जानते हैं कि ये असला निहत्ते फलस्तीनियों को मारने के लिए इस्तेमाल होगा। इस बात से जाहिर होता है कि हमास ने इसराइल के दिफा कमर तोड़ कर रख दी है। यही वजह है कि इसराइल को मजीद असलहा दूसरे ममालिक से मंगवाना पड़ रहा है।